अच्छा ये तो बताओ, जब मैं चला जाऊंगा सबसे ज्यादा क्या चीज रिलैक्सिंग होगी मेरे जाने के बाद? हाय घर सुना सुना क्या याद नहीं करोगी? करूंगी, वीडियो कॉल कर लूंगी। हाँ करेगी भी तो कॉल कर लेगी, ऐसे थोड़ी तुम लोग कितना उर्दू मीडियम है वो। भाई नाश्ता हमारा आ गया, मजेदार भिंडी चने की दाल माश की दाल और पराठे, दिखाओ लिख पर शो है पराठे। अरे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? बदतमीज बच्चे हैं और देयर इज नथिंग न्यू इन इट। खैर कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, बहुत मजे में है। अनदर इंटरेस्टिंग डे, वीकेंड का आखिरी दिन आ गया है। सुबह ही सुबह बच्चों ने रात में प्लान कर लिया, रात में सॉरी बच्चों ने प्लान कर लिया, सुबह ही सुबह उनके नाश्ता करने जाना है और नाश्ता करना है हाईवे पे, और हाईवे पे नाश्ता करना है क्या करना है अब्बास? दाल और ऑमलेट, दाल ऑमलेट और पराठा। तो मैंने कहा भाई सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो ताकि तुम दाल चाय पराठा ऑमलेट सब खा लो, और हम सुबह ही सुबह घर से निकल गए सिर्फ और सिर्फ 3:10 है घड़ी के अंदर, क्योंकि ये लोग सुबह सो के उठते नहीं है और मैं तो सो के जल्दी उठ गया था 10:30 बजे, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत सारे काम करने थे मैंने किए, कल का भी काफी टायरिंग डे था, लास्ट रूटीन जो हमारा वीकेंड का था शॉपिंग का। हाँ तो मुझे काम करने थे बहुत सारे, लेट तो ऐसे होने ही था। तो अब हम सब जा रहे हैं हाईवे, और हाईवे जाके बहुत ही हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट के अंदर हम करेंगे नाश्ता और ब्रंच, और मुझे पता है उनके पास ब्रंच की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो ना हमें पराठा मिलेगा ना हमें कुछ भी मिलेगा, देखते हैं हमें मिलता क्या है। तो मैंने सोचा चले जाने से पहले हाईवे का नाश्ता कर लेते हैं। हाँ सारे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं अलीबर के लिए, क्योंकि अलीबर तो एक सेलिब्रिटी का बेटा है। फूडी तो सी यू एट हाईवे, चले हाईवे। फाइनली हाईवे पे हमें मिल गया है कोयटा दरबार होटल, हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ कुछ लोग भी चलते फिरते नजर आ रहे हैं, पता नहीं बेचारे करके आ रहे हैं, जाके देखते हैं कि खाना ही खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। ये आ गए हम कोयटा दरबार, लग रहा है यहाँ पे कुछ हलचल है, कुछ मिलेगा खाने के लिए। हाँ किधर बैठे, अंदर आ जाए, यहाँ दो ऑप्शन है, या तो हम इस ओपन एयर में बैठ जाए या अंदर इस टेंट हाउस में चले जाए। किधर जाना है बस, अंदर आ जाए। हाँ अंदर हॉल है, इधर से आ जाओ, कह रहे अंदर हॉल भी है, इधर से आ जाओ। यार फैमिली हॉल में नहीं बैठना हमने, हमने बाहर बैठना है, फिर वहाँ बैठ जाते हैं, उधर बैठते हैं। हाँ खुली जगह में बैठेंगे, फैमिली हॉल में नहीं बैठेंगे। कौन सा वो कमरा भी चेक करो, लिख बर बस वो कैसा है सामने वाला कमरा, यहाँ बड़ा अच्छा पीछे पार्क वगैरह ही बना हुआ है, चेक कर लो। कह रहे हैं भाई के कमरा है तो चेक कर लो कमरा कैसा है। यहाँ अच्छा है, मध्य बहुत साफ सुथरा है, ये जगह भी अच्छी है। अच्छा हाईवे वाली फील बाहर से मिलेगी। चलो तखत पे बैठना, अभी सबने तखत पे बैठने का फैसला कर लिया। अंदर बहुत अच्छा है मध्य, पंखे वंखे लगे हुए। मेन्यू भाई हमें बड़ा अच्छा मिल गया यहाँ पे, दाल फ्राई भी है, माश की दाल भी है, चने की दाल भी है, भिंडी भी है, पराठे होंगे, बट अंडा नहीं मिलेगा ऑमलेट अब्बास। ओके डन 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 हो गया है, अब तुम लोग जाके यहाँ खेलो उनके पार्क में बत्तखों के साथ। इतना अच्छा और ठंडा यहाँ का माहौल है इस वक्त, हालांकि कोई पंखा नहीं चल रहा है यहाँ पर, लेकिन चिल एनवायरनमेंट है, चिल एनवायरनमेंट है। अच्छा ये तो बताओ जब मैं चला जाऊंगा सबसे ज्यादा क्या चीज रिलैक्सिंग होगी मेरे जाने के बाद? अरे घर सुना सुनो कैसा मेरा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब्बास अब्बास कुछ नहीं कह रहा। अब्बास को डांट पड़ी होगी ना इतने दिन से, बिल्कुल अब्बास आराम से होगा पुरसकून जिंदगी में, कोई कहने वाला कुछ नहीं होगा उसे। रफिया को पैक करके ले जाओ साथ अपने, रफिया तुम मुझे याद नहीं करोगी? करूंगी, वीडियो कॉल कर लूंगी। हाँ करेगी भी तो कॉल कर लेगी, ऐसे थोड़ी तुम लोग कितना उर्दू मीडियम है वो। और अली अकबर को मेरे याद आएंगे मजेदार से, अब्बास को सबसे ज्यादा मजेदार खाना क्या याद आएगा मेरे हाथ का? नहारी बिरयानी और आलू के पराठे हैं। कौन सी बिरयानी? श्रिम बिरयानी। ओके मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी श्रिम बिरयानी बना रख दूंगा, ऑक्टोपस पुलाव भी बना रख दूंगा। हैं ऑक्टोपस का पुलाव खाएगी रफिया? कोरमा भी मैं अच्छा बनाता हूँ, खैर कोरमा दादी भी अच्छा बना के तुम्हें खिला देंगी। हाँ मेरे हाथ का टेस्ट, मेरे हाथ का टेस्ट, तो इसका मतलब है आप बच्चों को अच्छा खाना बनाए।
है अली बा को जाने से पहले मटर पुलाव कोरा बना के खिला दूंगा एक दफा मैं। आप इसके लिए मटर पुलाव कोरा बना के रखिएगा जितना हम फंस जाएंगे। हाँ ये सही है, ये ठीक है। अली अकबर ये बहुत जोर से बहुत बुरी बात है, लाल हो गया बात। ये है हमारा अंदर का एक सेटअप और इतनी बाहर मक्खियां थी, अली भाई क्या ढूंढ रहे हो, इतनी बाहर मक्खियां थी कि सब बेजार के अंदर मुझे दरवाजा बंद कर दो थोड़ा सही वाला, वो खाना लेकर आगे फिर खोल लेगा, अली भाई बंद कर दो। जावेद निहारी की फिलहाली से मिलकर है, नहीं नहीं ये जगह अच्छी है बेटा, साफ सुथरी ऊपर की तरफ जगह। तो अब हम नाश्ता कर रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, 3:30 बजने वाले हैं, तुमने तो मतलब भूखा मरवा दिया। क्या चक्कर है वीआईपी सर्विस हैं? वीआईपी सर्विस कौन सी हमें मिल रही है? दरवाजा हां दरवाजा बंद करना पड़ेगा, वरना खाना कैसे खाएंगे। चलो इंतजार करो खाना आने का। हमारा आ गया मजेदार भिंडी चने की दाल मांस की दाल और पराठे, दिखाओ एक बार शो ये पराठे। अरे ये वाले पराठे हैं, चलो लेट्स स्टार्ट इट, नॉट बैड। तो हम शुरू करते हैं खाना और फिर हम आपको बताएंगे खाना लगा कैसा। भाई टाइम आ गया है नाश्ता शुरू करने का, मैं भिंडी तो खाऊंगा नहीं मगर मैं खा रहा हूँ चने की दाल, बहुत मजे की, पराठा भी बहुत मजे का है। लेट्स ट्राई मांस की दाल, चने की दाल अच्छी है। हाँ भाई एक बार व्हाट इज गुड, क्या अच्छा लग रहा है, फूड इज गुड। मेरे बच्चे इतने फूडी हैं कि लोगों को खाने से याद रखते हैं, अब्बा याद आएंगे कोरमे की वजह से, आलू के पराठे की वजह से, और अभी कह रहे दादा क्यों याद आएंगे, तो दादा तुम लोग पास वहाँ आ जाएंगे थोड़े दिन में, ये जल्दी आ जाएंगे दादा, और जब दादा आ जाएंगे तो वो ऐसे ही भिंडी बना के लाएंगे दादा, बैठे ना नहीं हो ओके। और नानू किसने याद आएंगे ये बता दो, नानू बना दी क्या मैं खाना, अच्छा दीदावानी की भी बिरयानी, अच्छा और चाची राजी चाची आलू राजा चाची के आलू, वाह क्या याद रखा है सारे खानदान को, खाना पीना ना हो तो कुछ भी याद नहीं रहेगा है। और आ गई गर्मा गर्म चाय, वाह भाई वाह बेहतरीन चाय, भाई चाय से पराठा खाते हैं लिख भाई। मेरे बच्चे इतने फूडी हैं कि लोगों को खाने से याद रखते हैं, अब्बा याद आएंगे कोरमे की वजह से, आलू के पराठे की वजह से, और अभी कह रहे दादा क्यों याद आएंगे, तो दादा तुम लोग पास वहाँ आ जाएंगे थोड़े दिन में, ये जल्दी आ जाएंगे दादा, और जब दादा आ जाएंगे तो वो ऐसे ही भिंडी बना के लाएंगे दादा, बैठे ना नहीं हो ओके। और नानू किसने याद आएंगे ये बता दो, नानू बना दी क्या मैं खाना, अच्छा दीदावानी की भी बिरयानी, अच्छा और चाची राजी चाची आलू राजा चाची के आलू, वाह क्या याद रखा है सारे खानदान को, खाना पीना ना हो तो कुछ भी याद नहीं रहेगा है। और आ गई गर्मा गर्म चाय, वाह भाई वाह बेहतरीन चाय, भाई चाय से पराठा खाते हैं लेकिन, अच्छा भाई सबसे ज्यादा मजा किस चीज़ का आएगा, आप चाय जरा ट्राई करके बताओ लेकिन कैसी है चाय, टी पार्टी है। अब्बास कैसी है पराठा, अच्छी अब्बास देखिए मुँह धोते बहुत गर्म है, अली पर देख के अली पर मुँह नहीं चला लेते हैं अपना, आपको पता है मैंने क्वार्टर पराठा खाया, ये क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के सारे इन लोगों ने खाने के दरवाजे में चली गई लाइट और गर्मी में हो गया बुरा हाल, ये देखे तुम लोग गाड़ी चला के ले जाओ आज इम्तियाज, भगा दो इतने बड़े तो जाओ, अब जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, हमने खाना खा लिया। तो भाई बड़ा मजा आया अल्लाह का शुक्र हम लोग को, क्या मदिया, अच्छा कश्माला के बगैर रहमत शीरी कुल्फी खाई थी मम्मा, उसको याद दिला रही है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, एक दर को बेटा एक दर को, बहुत मजा आया तुम्हारा खाना था, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया तुम्हारा खाना था भाई, हमें बहुत मजा आया यहाँ और हम यहाँ बहुत दफा आ चुके और हर दफा इतने मजा करते हैं। सर आप गाड़ी से उतरेंगे तो मैं गाड़ी में बैठूं, उतर जाए प्लीज, मैं डिक्की में बैठेगा, अच्छा ठीक है
ओके, तो अब हम जा रहे हैं बहरिया टाउन इम्तियाज। इस वक्त हम आ गए बहरिया टाउन और टाइम क्या हो रहा है कश्मालू? बहरिया टाउन हम आ गए, 4:20 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर, नहीं इम्तियाज के अंदर, और हम देखते हैं हम कितने बजे बाहर निकलते हैं सारी ग्रोसरी खत्म करके। चलो, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। मम्मा इज द ओनली रीजन, वो मेन कल्प्रिट। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और हम जा रहे हैं घर। 6:00 हो रहे हैं ऑलमोस्ट और अभी थोड़ा सा टाइम है नमाज पढ़ने का, तो आफ्टर ऑफरिंग असर पर हम जाएंगे यहाँ से घर। और वीकेंड इज ओवर, सी यू अनदर टाइम, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।